Hey there, how are you all? I hope you all are doing great as usual. So today, once again, I'm here to practice reading with you all. So let's dive into our reading passage. There is a natural tendency in every animate being to resent restrictions. If you block the growth of a plant, it will try to pierce through the blockade. If you enclose a worm or fish in a glass jar, you will find it restlessly moving hither and thither to find a way out. Similarly, if you confine a bird or an animal in a cage or a room, you will find it gets constantly trying to break through the cage or the room in a fit of escape. Only when it gets tired or identifies itself with the environment of the prison, it will sit silent. Thus, the urge to be free is inborn in all animate beings. It gets suppressed only on its identification with the situation. The urge to be free is also reason present in inanimate objects, but it is latent and ultimately gets fulfilled. It is for this reason that matter constantly changes its shape. The charge is in a way a fulfillment of that urge. ओके सो नेचुरल टेंडेंसी जो हम बोलते हैं ना कि जो हमेशा जैसे एक नेचुरल प्रवृत्ति होती है किसी की, ठीक है, जो हमारी नेचर है बेसिकली हम किसी चीज़ की प्रवृत्ति होना, टेंडेंसी, राइट। एनिमेट बीइंग होते हैं जो भी लिविंग है, ठीक है, उसमें सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं आते, सारे लिविंग क्रिएचर्स आएंगे। रिजेंट होता है किसी चीज़ को, जैसे उसको डिसलाइक करना, उसका विरोध करना, उसको मना करना। ऑब्वियसली हम जो रिस्ट्रिक्शंस हैं हमें से कोई नहीं चाहता, तो हम एक तरह से उनका विरोध ही करते हैं, उनको हम बोलते हैं कि नहीं, हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। सो देन वी हैव पियर्स थ्रू। पियर्स, आपको पता है हम नोज़ पियर्सिंग करते हैं, ईयर पियर्सिंग करते हैं, तो पियर्स थ्रू वही ना, जब आप किसी प्लांट को कहीं से निकल उसका रास्ता बंद करते हो, तो वो कहीं और से उसका जो मतलब वो कहीं और से निकल पड़ता है ना, जो किसी होल में से निकल जाता है, ठीक है। If you enclose a worm or a fish in a glass jar, enclose मतलब glass jar में किसी चीज़ उसको fish को बंद करोगे, ठीक है, enclose उसको कैद कर लोगे, बंद कर लोगे। तो next है hither and thither, ये है here and there को बोलने का तरीका, same, okay? Find a way out, कोई रास्ता निकालना, किसी चीज़ का समाधान करना, कोई रास्ता निकालना, बोलते हैं ना we need to find a way out। Confine करना, फिर से restrict कर देना, बर्ड या एनिमल को किसी केज में या रूम में कन्फाइन कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। तो कन्फाइन का मतलब भी सेम हो गया, तो इट गेट्स कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू ब्रेक थ्रू, वो वहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, जो भी उसका केज हो उसका, उसको तोड़ के निकलने की कोशिश करेगा। अ फिट ऑफ एस्केप मतलब जब हम कहीं फंसे होते हैं तो कितनी बेचैनी होती है। आपने कभी पिंजरे में कैद पंछी को देखा होगा या कहीं पर कैद एक एनिमल, वो ऐसे लगता है कि पागल हो गया है ना। तो अ फिट ऑफ एस्केप मतलब निकलना है उसको। एंड नेक्स्ट वी हैव अर्ज, अर्ज होती है डिज़ायर, ओके, इनबोर्न मतलब हमें वो जन्म जात है, ठीक है। तो आज़ाद रहने की जो इच्छा है ना, वो सभी लिविंग बीइंग्स में जन्म जात है, ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है सप्रेस्ड, दब जाती है वो कोई चीज़, जैसे इट गेट सप्रेस्ड, दब जाना कोई चीज़। लेटेंट, लेटेंट होता है कि वो चीज़ है, जैसे कई बार हमारी कुछ फीलिंग्स होती है हमारे अंदर, हम उनको दिखाते ही नहीं हैं, तो लेटेंट वो चीज़ है दैट इज़ प्रेजेंट बट वो विजिबल नहीं है, ठीक है। एंड फुलफिल हमें पता है कुछ पूरा होना, एंड दैट इज़ इट। सो सी, बहाने से हमने कितने सारे नए वर्ड सीखे, राइट। सो इन अ वे वी लर्नड सो मैनी न्यू वर्ड्स, देयर प्रोनंसिएशन एंड देयर मीनिंग एज वेल। अब कई बार हम भूल जाते हैं, जैसे नाक छिदवाना, कान छिदवाने को क्या बोलेंगे, तो अब हमें याद रहेगा पियर्स, है ना, नोज़ पियर्सिंग, ईयर पियर्सिंग। तो वही यहाँ से हम रिलेट करेंगे, हमने पढ़ा है कि जब एक पौधे को आप कहीं और से उसका रास्ता रोक दोगे तो वो कहीं और से निकल आता है, किसी होल में से, तो पियर्स थ्रू, राइट। पियर्स के साथ थ्रू लग गया तो उसका मीनिंग इस पर्सपेक्टिव में चेंज हो गया। एंड रिजेंट रिस्ट्रिक्शंस, है ना, हमें किसी को भी रिस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं है तो हम बोल सकते हैं, सपोज़ यू आर डिस्कसिंग एनीथिंग, एनी टॉपिक रैंडमली विद एनीवन, तो अगर वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन से रिलेटेड कुछ आया, सो यू कैन कॉन्फिडेंटली से ना, आप इस लाइन को रिलेट कर सकते हो, यू कैन ईजिली रेजोनेट दीज लाइन्स। एवरी एनिमेट बींग रिजेंट रिस्ट्रिक्शंस, वी डोंट लाइक रिस्ट्रिक्शन,
तो इस तरह से हम इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं. देर आर सो मैनी वर्ड्स वी लर्न टूडे एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे. हम साथ में मिलकर रीडिंग प्रैक्टिस भी करें एंड वी आर लर्निंग सो मैनी न्यू वर्ड. आई एम इन्जॉइंग दिस मेथड रियली रियली. आपके साथ रीडिंग करना और ये वर्ड्स डिस्कस करना, आई एम लविंग इट, लविंग दिस आइडिया. तो हम साथ में सी आई हैव अ न्यू आइडिया ऑफ लर्निंग. आई जस्ट वॉन्ट टू लर्न टूगेदर. मैं अभी अकेले इस चीज़ अभी आई डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू माई जर्नी अलोन हियर. आई वॉन्ट टू बी विद यू ऑल. सो लिटरली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर ब्यूटिफुल कॉमेंट्स एंड येस इफ यू हैव एनी फीडबैक, इफ यू वॉन्ट मी टू इम्प्रूव इन एनी वे, डू लेट मी नो. आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट. एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. इट इज़ अ टोकन ऑफ मोटिवेशन. आई रियली नीड इट. So that is it. See you in the next video. Till then, take care. Bye-bye.